हेलो गाइस, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इसलिए अपने बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास। आइए अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है? ए 20 जून, बी 25 जून, सी 28 जून, डी 30 जून। तो आइए अब जानते हैं अपना राइट आंसर क्या होगा। ए 20 जून। इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक कार्यों पर लगाए जाएंगे। आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। भारत के किस बैंक ने मलावी सरकार को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन सी एक्सिम बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं व अन्य विकास योजनाओं के लिए भारत सरकार की तरफ से मालवी सरकार को 21.57 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। आइए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को राष्ट्रीय लोकवित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी उर्जित पटेल, ऑप्शन सी विरल आचार्य, ऑप्शन डी विमल जलन। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उर्जित पटेल। इन्होंने विजय कलेक्टर की जगह 22 जून 2020 को अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। विजय कलेक्टर को 1 नवंबर 2014 में चेयरमैन नियुक्त किया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने विदेशी पर्यटकों के आने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है? ए जापान, बी अफ्रीका, सी सिंगापुर, डी स्पेन। तो अपना राइट आंसर होगा डी स्पेन। स्पेन ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों पर आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, और इन्होंने यह भी कहा है कि जो भी स्पेन में यात्री पहुंचेगा उसकी एयरपोर्ट पर पूरी तरह जांच की जाएगी। आइए अब देखते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? अब तो अपने सामने ऑप्शन 4, ऑप्शन ए 19 जून, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 25 जून, ऑप्शन डी 27 जून। तो जानते हैं इनमें से अपना राइट आंसर क्या होगा। अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 21 जून। आइए देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को चीन से निर्यात करने पर 0% टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो जानते हैं अपना राइट आंसर क्या होगा। इसमें अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। WTO यानी कोटा फ्री योजना के तहत स्थानीय प्रसिद्ध जो चीजें निर्यात की जाएगी उनके ऊपर इनको 0% टैरिफ की सुविधा उपलब्ध। देखते हैं सातवां क्वेश्चन। हाल ही में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध कितने माह बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 10 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 12 माह। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 माह। इस पर प्रतिबंध 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसी के साथ अपने थोड़ा RBI के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं।
आइए अब देखते हैं आज का आठवां क्वेश्चन। हाल ही में IADB यानी एशिया डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? ऑप्शन ए 1.9%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 0.4%, ऑप्शन डी 0.1%। तो अपने जानते हैं राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 0.1%। तो अपने बात करते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी यानी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। आइए देखते हैं आज का नौवां क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मेगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जापान। तो जानते हैं अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी चीन। तो वो अपने मन में सवाल ये उठ रहा होगा, मेगलेव क्या है? मेगलेव एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इससे पहले यहां जो बुलेट ट्रेन थी ट्रेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आगे देखते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने बीमा उत्पाद बेचने के लिए 4 बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए IDBI बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी यूको बैंक, ऑप्शन डी BOB बैंक। तो अपने जानते हैं अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यूको बैंक। यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके CEO अब्दुल कुमार गोयल हैं। आइए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पंजाब। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। यह पुलिस स्टेशन, अस्पताल, यहां तक कि जेलों में भी इसको स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, करना और उन्हें सहायता देना, सहायता देना। आइए देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। जानते हैं अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी राजस्थान। इस योजना का उद्देश्य है कि राजस्थान में कोई भी भूखा ना सोए, इस योजना के तहत 2 टाइम का खाना कम रेट पर दिया जाता है। आइए अब देखते हैं आज का 14वां क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी एक्सिम बैंक, ऑप्शन सी यूको बैंक, ऑप्शन डी कर्नाटक बैंक। तो अपने जानते हैं अपना राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक बैंक। इस योजना के तहत छोटे उद्यमियों को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा और इसकी स्थापना
सन 1924 में हुई थी। आइए अब देखते हैं आज का 15वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में भारतीयों का 9 से 18 लाख करोड़ रुपए के बीच काला धन जमा है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी स्विस बैंक, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी संसदीय समिति। तो फिर जानते हैं राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी संसदीय समिति। इस समिति के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीयों का 9 से 18 लाख करोड़ रुपए का काला धन विदेशों में जमा है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।